हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट 2। क्योंकि पार्ट 1 में मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट नोट्स आपको दिखाए थे जो पिछले भाग में है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद ये आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे का भाग हम आज इस चैप्टर में देखते हैं। इस चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ये क्या है ये मैं आपको हिंदी में अच्छे से समझाती हूँ ताकि आप पूरी तरह से समझ जाएं। तो जो जीवधारियों में उपस्थित समस्त जीनों या अनुवांशिक पदार्थों को उसका जीनोम कहते हैं। जीनोम डीएनए या आरएनए विषाणुओं में आरएनए का बना होता है। जीनोम शब्द का उपयोग सबसे पहले हैंस क्विलनर ने 1920 में किया था। और उसका क्या क्या उद्देश्य है और इसका क्या उपयोग है ये आप नोट्स में देख सकते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट गोल्स ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल ऑफ HGP वेयर एज फॉलोस। आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन इन ह्यूमन डीएनए। इसका मतलब है मानव डीएनए में लगभग 20,000 से 25,000 जीन की पहचान करता है। दूसरा है डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए। मतलब मानव डीएनए में को बनाने वाले 3 बिलियन रासायनिक आधार युग्म के अनुक्रमों को निर्धारित करता है। स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस। इस जानकारी को डेटाबेस में संग्रहित करता है। इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। इसका मतलब है डेटा विश्लेषण के लिए उपकरण में सुधार करता है। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज। अब इसका मतलब है संबंधित टेक्नोलॉजी को अन्य क्षेत्र जैसे अलग अलग जगह में और इंडस्ट्रियों में स्थानांतरित करता है, ट्रांसफर करता है। एड्रेस द एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। मतलब परियोजना से उत्पन्न होने वाले कानूनों और सामाजिक मुद्दों को स्वीकार कर सकता है। तो जो जीनोम प्रोजेक्ट है वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के मार्गदर्शन में चल रहा है और यह परियोजना 1 अक्टूबर 1990 में शुरू हुआ था तथा 26 जून 2000 तक पूर्ण हो गया। आप लोग हमेशा कमेंट्स में कहते हैं कि इस चैप्टर से या कोई भी चैप्टर से आप हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताइए, तो मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एन ओपेरॉन। तो इसको आपको कई तरह से पूछा जा सकता है, अलग अलग तरह से घुमा के भी पूछा जा सकता है। 4 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादातर पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग बोर्ड एग्जाम में मैंने देखा है 1 साल 2 साल के अंतराल में अक्सर ही पूछा जाता है। तो इस चैप्टर से आप ये क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। तो ओपेरॉन जो ये कॉन्सेप्ट है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है। ये यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप इसको देखकर नोट्स कॉपी में आप अच्छे से बना लीजिएगा। तो इसकी खास बात ये है कि जो इसमें जीन होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, वो 3 प्रकार का होता है। स्ट्रक्चरल जीन, जीन विच रेगुलेट सच पार्ट ऑफ डीएनए इन विच सिग्नल्स ऑफ प्रोटीन्स, विच सिग्नल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस आर कोडेड आर स्ट्रक्चरल जीन। देयर आर 3 स्ट्रक्चरल जीन इन ओपेरॉन। तो पहला है सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई एंड सिस्ट्रॉन ए। दूसरा है कंट्रोलर जीन, जीन विच कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ स्ट्रक्चरल जीन बाई इंडक्शन एंड रिप्रेशन आर कॉल्ड कंट्रोलर जीन। इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 जीन। रेगुलेटर जीन, दिस जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड रिप्रेशर। दूसरा है प्रमोटर जीन, प्रमोटर जीन, दिस इज द पार्ट ऑफ डीएनए विच रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमर्स एंड इंस्ट्रक्ट्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए। ऑपरेटर जीन, इट इज द पार्ट ऑफ ओपेरॉन डीएनए विच कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ वन आर मोर स्ट्रक्चरल जीन एंड इन विच रिप्रेजर प्रोटीन इज बाइंडेड। अब इसका मतलब ये है कि जो ओपेरॉन जीन होता है वह ये निर्धारित करता है कि इस प्रकार ऑपरेटर जीन की दमन कर द्वारा, मतलब जिसका दमन होना है वह संरचनात्मक जीन का दमन होना चाहिए या नहीं। और जो प्रमोटर जीन होता है यह डीएनए के छोटे खंडों से बना होता है जिसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या लगभग 100 होती है
और जो रेगुलेटर जीन होता है यह ओपेरान का रेगुलेटर जीन निर्धारित करता है कि संरचनात्मक अथवा जो स्ट्रक्चरल जीन है उसको अनुलेखित होना चाहिए या नहीं। यह एक विशेष प्रकार का जीन होता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डीएनए रेप्लिकेशन इन ब्रीफ विथ सुटेबल डायग्राम। तो इसका केवल अगर डायग्राम पूछा जाएगा तो आप केवल डायग्राम बनाइए, और अगर 5 नंबर 6 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको इसका पूरा डेफिनेशन देना होगा। तो मैं आपको हिंदी में ये समझा देती हूँ कि एक्चुअल में ये होता क्या है। ये एक चमड़े की तरह मुड़ा हुआ होता है जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड से टकराने के लिए मिला होता है, जो केंद्र में हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन बेस द्वारा एक साथ जुड़ जाता है। रेप्लिकेशन को समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, इसको आप इसमें अच्छे से समझ सकते हैं। वाटसन तथा क्रीफ द्वारा प्रतिपादित डीएनए का मॉडल अर्ध संरत्री डीएनए द्विगुणन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। प्रतिलिपिकरण अथवा द्विगुणन के समय डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेस क्षारकों के बीच उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, फलतः दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। केंद्रक के अंदर स्वतंत्र न्यूक्लियोटाइड का पुल पाया जाता है जिसमें एडिनिन, ग्वानिन और थायमिन नामक तत्व पाया जाता है, जो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कैसे ये जो संरचना है और ये दो जो ये संरचना है उसके बाद ये दो खंडों में बढ़ जाता है। इस चैप्टर से ये चार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए रेप्लिकेशन, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, वाटसन क्रिक मॉडल, फिंगरप्रिंटिंग, ये अक्सर पूछा गया है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपको कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। व्हाट इज ओपेरॉन? तो ओपेरॉन क्या है? द कोडान ऑफ एमआरएनए कैन बेस पेयर विथ कॉम्प्लीमेंट्री कोडान ऑफ टीआरएनए एंड द कोडान ऑफ टीआरएनए इज कॉल्ड अ एंटीकोडान। मतलब एंटीकोडान क्या होता है? दूसरा है, राइट द नेम ऑफ इनिटेशन कोडान इन टर्मिनेशन कोडान। तो ये क्या है, उसका केवल सिंबल आपको लिखना पड़ेगा। अगला है, डिफाइन रेप्लिसम इज एंजाइम विच पार्टिसिपेट इज डीएनए रेप्लिकेशन। हु गेव द ओपेरॉन कॉन्सेप्ट फॉर जीन? कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने जीन कॉन्सेप्ट दिया था? तो ये दो वैज्ञानिकों के नाम है मोनो एंड जोकॉब। तो ये थे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा। थैंक यू।